भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। उन्हें राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीएसपी मुखिया मायावती, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 171वीं जयंती है। उन्हें भारत के संविधान के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस दौरान विपक्षियों पर हमला भी बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से उन्हें सत सत नमन व हार्दिक श्रद्धा सुमन। करोड़ों कमजोर व उपेक्षित वर्गों तथा मेहनतकश समाज आदि के हित व कल्याण के प्रति उनके महान व ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी व कृतज्ञ रहेगा। जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त विरोधी पार्टियों व इनके सरकारें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों व संदेशों की कितनी ही अवहेलना करके उनके अनुयायियों पर शोषण, अन्याय, अत्याचार व द्वेष आदि जारी रखे, किंतु उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान का बीएसपी मूवमेंट रुकने व झुकने वाला नहीं है। जातिवादी सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती है। यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, जैसा कि अब तक यहाँ होता आ रहा है। इसीलिए इन वर्गों की हालत अभी तक मजबूर व लाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।